सारे शहरवासियों को, चंडीगढ़ के वासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराया, जिससे उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं अपने परिवार को और समाज को भी सुरक्षा की तरफ एक कदम आगे वो लेके गए हैं। जितने लोगों ने अपना सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रायोरिटी के तौर पर आप अपना सेकेंड वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। जिन्होंने नहीं लगवाया है वो प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेशन अपना करवाएं। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो WHO के गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि उसके बाद भी CAB दैट इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सारिया नू मेंटेन करना ही पैना है। जैसे कि आपको सबको मास्क लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको दो लोगों के बीच में 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ वाले एरिया को जितना आप अवॉइड कर सके उतना अच्छा होगा। अगर बहुत ज़रूरी काम है तब आप बाहर जाइए, उसके अलावा कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप इस तरह के क्राउडेड प्लेसेस से दूर रह सके उतना रहे, हाथों को सैनिटाइज करें और अपने आसपास जो है साफ़ सफाई मेंटेन करें। मैंने सभी मीडिया के बंधुओं को यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड की जो थर्ड वेव आ रही है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके उपचार के लिए कुछ गाइडलाइन जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने है वो भेजी है, तो उसको आपके माध्यम से चंडीगढ़ में जन जन तक पहुंच जाए, तो इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गाइडलाइन में कहा कि एक तो जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिस में आएगा तो उसको जो है वो उसकी वैक्सीनेशन जो है वो एक डोज लगी हुई ज़रूरी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट उसके पास जो ऑनलाइन जैसे होता है मोबाइल पे वो होना चाहिए, या फिर RT-PCR रिपोर्ट जो है वो 72 घंटे की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसको रोक तभी पाएंगे जब लोग जो जहाँ पे आने वाले हैं वो कहीं संक्रमित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कि और लोगों को संक्रमित ना करें। और उसमें कुछ टाइम बाउंड भी करा कि इसमें 12 से 1 बजे तक का जो टाइम जो पब्लिक ऑफिस में जो गवर्नमेंट ऑफिस में मिलने का वो रखा गया है, तो ये गाइडलाइन के लिए आज सबको बुलाया गया। सर, कोई भी अभियान हो वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे उनके साथ ना हो। ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू करी है या कॉरपोरेशन ने इशू करी है या MHA ने इशू करी है तो उनकी भलाई के लिए, ना कि उनके अपने पर्सनल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ायदे के लिए। तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, हमको उसका पालन करना पड़ेगा।